नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल दर्ज मामले 72 लाख के पार पहुंच गए हैं। 14 अक्टूबर यानी कि बुधवार की सुबह तक पिछले 24 घंटे में 63,509 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के अब तक कुल मामलों की संख्या 72,39,389 हो गई। बीते 24 घंटे में 730 मरीजों की मौत हुई है, वहीं 74,632 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही देश में बुधवार की सुबह तक कोरोना के 9 करोड़ टेस्ट भी पूरे हो गए। देश में अब तक 63,01,927 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। फिलहाल रिकवरी रेट 87.05% पर चल रहा है, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 11.42% यानी 826,876 है। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो देश में कोविड 19 ने 110,617 लोगों की जान ली है। डेथ रेट 1.52% पर चल रहा है। इसके साथ ही अब तक हुए कुल टेस्ट की संख्या 9,90,122 पर पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट 5.54% पर चल रहा है। भारत में कोरोना के कुल मामले 72 लाख तक पहुंचने में 258 दिन लगे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर और बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग कोविड 19 से संक्रमित हो रहे हैं। दुनिया भर में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 3,13,000 मामले सामने आए, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 4,974 लोगों की दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। बीते 24 घंटे में भारत और अमेरिका के बाद ब्रिटेन, रूस, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील में सबसे ज़्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं सबसे ज़्यादा मौत भारत में हुई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार दुनिया भर में अब तक 3,83,00,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,90,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं 2,88,00,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 84 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, यानी कि फिलहाल इतने लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कोरोना महामारी सबसे तेजी से बढ़ रही है। हालांकि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश की लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर है। यहां अब तक 80,89,000 लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित तीसरे देश ब्राजील में 24 घंटे में सिर्फ 11,000 मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है, जहां सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।